दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां पर हम बिहार चुनाव को लेके सबसे बड़ा एनालिसिस करने वाले हैं। अभी तक ऐसा एनालिसिस आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। जो लोग क्रिटिसिज्म पसंद नहीं करते, जिनको क्रिटिसिज्म सुनने की आदत नहीं है या फिर उनको अच्छा नहीं लगता क्रिटिसिज्म सुनना, चाहे वो क्रिटिसिज्म उनके अपने पक्ष में क्यों ना हो, उनके अपने डेवलपमेंट और फायदे के लिए क्यों ना हो, वो लोग अभी इस वीडियो को बंद कर दें। इनफैक्ट मैं उनसे सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि इस चैनल को यहीं अनसब्सक्राइब कर दीजिए। ये चैनल आपके लिए परफेक्ट जगह नहीं, क्योंकि यहां पर क्रिटिसिज्म होगा, चाहे आप किसी भी पार्टी के फॉलोअर हो। वीडियो के शुरुआत में एक चीज जो मैं करना चाहता हूं वो ये कि आरजेडी को एक मुबारकबाद देना चाहता हूं, तेजस्वी यादव को मुबारकबाद देना चाहता हूं। सीएम कैंडिडेट थे, तेजस्वी यादव ने पूरा कैंपेन चलाया, कैंपेन को एक सेंट्रिक रखा, फोकस्ड रखा डेवलपमेंट के और जॉब्स के ऊपर, और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी इन बिहार असेंबली इस टाइम पे 75 सीट्स तेजस्वी यादव जीत करके लेकर आए हैं। तो जितनी भी सारी बातें हों, इतने बड़े बड़े दिग्गज सामने खड़े थे, मोदी जी जैसे, रविंद्रनाथ टैगोर जी सामने खड़े थे, उसके अलावा नीतीश कुमार जो कि राजनीति में घिसे हुए बिल्कुल रजे मंजे खिलाड़ी हैं, अमित शाह पर्दे के पीछे से पूरा खेल खेल रहे थे, सुशील कुमार मोदी थे, योगी आदित्यनाथ जो कि किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं राजनीति के लिए, सब लोग सामने थे। और उनके सामने तेजस्वी यादव, 30 साल के तेजस्वी यादव, मोदी जी ने जितनी जद्दोजहद कर ली, जितनी बातें कर ली, जितने बड़े बड़े उन्होंने कैंपेन चला ली, लेकिन सच्चाई ये है कि इस टाइम पर भी भारतीय जनता पार्टी बिहार असेंबली में नंबर वन पार्टी नहीं है, लार्जेस्ट पार्टी नहीं है। अरे डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के दोस्त, वो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हारने के बाद ये मानने को तैयार नहीं हूं, कह रहे कि मैं ही जीता हुआ हूं, मैं हारा ही नहीं हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप ये बात बोल सकते हैं, तो आखिरकार हम ये बात क्यों नहीं बोल सकते कि मोदी जी ही सबसे बड़े लूजर हैं इस इलेक्शन के अंदर। तो इस वीडियो में कुछ बहुत ही बड़ी और बहुत ही चौंकाने वाली बातें विद प्रूफ्स आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है बहुत बड़े लेवल पे। ये धांधली किस जगह पे हुई होगी, मतलब पॉसिबिलिटी कहां कहां की हो सकती है, ये भी आपके सामने रख दूंगा निकाल के। और अगर ये धांधली नहीं होती तो 15 से 20 सीटें कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 30 सीटें और आती तेजस्वी यादव प्लस के पास यहां पर। तो इसका मतलब अगर ये धांधली नहीं होती तो क्लियर मेजॉरिटी से तेजस्वी यादव सीएम अभी तक बन चुके होते, सीएम की ओथ लेने वाले होते। लेकिन क्योंकि इतने बड़े लेवल पे धांधली हुई है, प्रूफ्स के साथ आपको बताने वाला हूं, ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। और दोस्तों जो बातें खुलासा करके मैं आपके सामने रखने वाला हूं प्रूफ्स के साथ, प्रमाणों के साथ, वो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि आखिरकार वो लोग जो आपके सामने आके प्यार की बातें करते हैं, शांति अमन की बातें करते हैं, आपको ये दिखाते हैं कि जैसे वो आपके मसीहे हैं, आपके समाज के लोगों को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आपको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आपकी तरक्की के लिए काम करेंगे, आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे, वो लोग आखिरकार आपका कितना बड़ा बेवकूफ बना रहे हैं आज की डेट में। और अगर ये सिचुएशन चलती रही, अगर आप उनके बातों में इसी तरीके से आके बेवकूफ बनते रहे, तो आने वाले 50 सालों तक बीजेपी ही राज करेगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर हमने आज इस बात की समीक्षा नहीं करी कि बिहार में बीजेपी क्यों जीती, विपक्ष क्यों हारा, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं हम लोग भी अंधभक्त ही कहलाएंगे। तो अगर आप लोगों को अंधभक्त नहीं बनना है, जिनकी मैं हर रोज वाट लगाता हूं, तो प्लीज इस वीडियो को समझने की कोशिश जरूर करिएगा। वीडियो को समझाने के लिए और अपनी पूरी बात रखने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने बिहार के आंकड़े रखना चाहता हूं। सारे आंकड़े आप स्क्रीन पर देख चुके होंगे, लेकिन वोट शेयर में तब्दील करके उन आंकड़ों को आपके स्क्रीन पर एक बार एक पाई चार्ट दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार कितना वोट परसेंटेज कौन सी पार्टी को यहां बिहार इलेक्शन में मिला है। तो ग्रीन कलर में आरजेडी है, यहां पर आरजेडी को 23.1%, उसके आगे नोटा 1.68%, एलजेपी को 5.66%, एक वोट मिला है सिर्फ। उसके अलावा जेडीयू को 15.39%, कांग्रेस को 9.48, यानी कि अगर राउंड ऑफ कर लिया जाए तो 9.5%। उसके अलावा सीपीआईएम को 0.65%, सीपीआई को 0.83%, बीएसपी को 1.49%, बीजेपी को 19.46%, एआईएमआईएम को 1.24%, अदर्स को 18.85% और आरएलएसपी को 1.77% वोट शेयर मिलने का यहां पर काम हुआ है। अगर मैं यहां पर आरजेडी
और बीजेपी को देखूं तो आरजेडी का वोट शेयर बीजेपी से काफी ज्यादा आगे है, लगभग 4% वोट शेयर आगे है। यहां पर जो सबसे बड़ी हैरानगी की चीज है वो है, सबसे पहली चीज, कांग्रेस का वोट शेयर। कांग्रेस का वोट शेयर है 9.5%, यानी कि लगभग 39,95,000 वोट्स कांग्रेस को यहां पर मिले, जो कि काफी कम है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, लगभग 10 से भी ज्यादा ऐसी सीटें जहां पर आरजेडी बहुत ही कम मार्जिन से हारी है। क्या आप लोग जानते हैं कि आरजेडी एक सीट पे जिसका नाम है हिलसा, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, 12 वोटों से, हिलसा सीट पर 12 वोटों से आरजेडी जो है जेडीयू से हारी है, कितना कम मार्जिन है। अगर मैं नाम लेकर इन सीटों के बारे में आपको बताऊं तो बछवाड़ा, यहां पर भारतीय जनता पार्टी से कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ 484 सीटों वोटों से हारी है। उसके बाद दोस्तों बहादुरपुर, जहां पर जेडीयू से आरजेडी हारी है सिर्फ 2600 वोटों से, जो कि फिर से काफी कम नंबर ऑफ वोट्स है। उसके बाद आता है बरबीघा, जहां पर कांग्रेस जो है जेडीयू से हारी है सिर्फ 113 वोटों से, जी हां 113 वोट्स। उसके आगे बेलिहार, जहां पर जेडीयू से आरजेडी हारी है फिर से 2400 वोट्स, बहुत कम होते हैं जो कि। फिर उसके आगे भोरे, जहां पर जेडीयू से कम्युनिस्ट पार्टी हारी है, सीपीआईएमएल हारी है 462 वोटों से, कितने कम नंबर ऑफ वोट से कितनी सारी सीटों पे डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता था, आखिरकार ये सब सीटें जीती जा सकती थी महागठबंधन के द्वारा। उसके आगे अगर बात करूं दोस्तों तो चाकल से इंडिपेंडेंट जीते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट हारे हैं सिर्फ 581 वोटों से। अभी आप लोग सोचेंगे यहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की मैं क्यों बात कर रहा हूं, आपको आगे पूरी कहानी बताने वाला हूं, अनवील करने वाला हूं, जरा सुनिए ध्यान से। उसके आगे अगर बात करें तो झाझा, जहां पर आरजेडी हारी है 1600 वोटों से, मुंगेर, जहां पर मुंगेर नरसंहार हुआ था इलेक्शन के बीच में, वहां पर आरजेडी हारी है 1200 वोटों से। उसके आगे परबट्टा, जहां पर आरजेडी हारी है 951 वोटों से, इतने कम अंतर से ये 11 सीटें ऐसी हैं। और जब मैंने पूरी लिस्ट निकाल के आज सुबह देखी तो लगभग 30 सीटें ऐसी है जहां पर बहुत कम मार्जिन से हारी है राष्ट्रीय जनता दल या फिर कांग्रेस पार्टी। तो ये सारे जो मैंने आपको जगहें बताई, ये सारी जो सीटें बताई जहां पर बहुत कम नंबर से हारी आरजेडी या फिर कांग्रेस, अगर ये सारी सीटें जीत जाती तो यकीनन जो सिनेरियो है वो पूरा उलट फेर हो जाता। अब दो पार्टियां ऐसी हैं यहां पर जिनके बारे में मैंने वोट शेयर में डिस्कशन करा था, वो है AIMIM और साथ ही BSP। इनको कितने कितने वोट मिले एक बार बताना चाहता हूं फिर से। AIMIM को दोस्तों यहां पर 1.24% वोट मिले, यानी कि 5,23,000 वोट्स मिले। उसके अलावा दोस्तों BSP को 1.49%, यानी कि 6,28,000, रफली अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 5 लाख प्लस 6 लाख, यानी कि 11 लाख वोट ऐसे हैं जो AIMIM को और BSP को मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको अभी बताया कि 10 से 11 सीटें ऐसी है जहां पर बहुत छोटे मार्जिन से, 13 और 12 सीटों 12 वोटों के मार्जिन से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से रह गए, जो जुमलावादी लोग हैं उनको रोका जा सकता था, ऐसा नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ यहां 11 लाख वोट मिलते हैं AIMIM को और BSP को। मुझे लगता है कि इसके आगे का सोचने का काम आप बखूबी कर सकते हैं। दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये पार्टी साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही होती, AIMIM और BSP भी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे होते सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, जैसा कि ओवैसी और मायावती लगातार अपने कई बयानों में बोल चुके हैं कि उनका प्राइम फोकस ही मोदी को रोकना है, मोदी को लगातार गाली देने का काम करते हैं, अगर ये पार्टीज भी तेजस्वी के साथ लड़ती तो क्या इस टाइम पे ये 10 से 11 सीटें जिनका नाम मैंने भी आपको बताया, क्या ये तेजस्वी यादव के पास नहीं होती? आप जरा खुद सोचिए एक बार कि ये लोग आपको आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे खींचने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी दोस्तों, इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि कांग्रेस 9% पे आके टिक गई। कांग्रेस जहां पर 70 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही थी, कम से कम 50 लाना चाहिए था, वहां पर कांग्रेस लेकर आती है सिर्फ 19-20 सीटें। क्या ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है? और ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे देश में विपक्ष और ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो। ये पार्टियां अगर इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगी तभी ऐसा मुमकिन है, तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सब अपने अपने घर जा सकते हैं, सब अपने अपने लीडर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को गाली दे सकते हैं, मुझे भी गाली दे सकते हैं, लेकिन फायदा ऐसे में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और प्राइमरीली मोदी जी का ही होगा। इसके साथ दोस्तों मैं बिग टेकअवेज, जो इस इलेक्शन के बड़े पॉइंट्स थे, उनको भी एक बार डिस्कस करना चाहूंगा। तो पहली चीज, अब बिहार के लोगों ने वोट किया है, मैंडेट दिया है नीतीश कुमार को, मोदी जी को। मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिरकार बिहार के लोगों ने
डेवलपमेंट के ऊपर, रोजगार के ऊपर या महिला सुरक्षा के ऊपर, शांति और अमन के ऊपर आखिरकार बीजेपी जेडीयू को क्यों चुना? और जब अब चुनी लिया है तो मैं ये चाहता हूं कि जनता जल्दी से जल्द जो 19 लाख जॉब्स का वादा किया गया था उसके लिए जनता जेडीयू को, नीतीश कुमार को प्रेशराइज करने का काम करे। साथ ही दोस्तों एक और बहुत बड़ा टेक अवे ये है कि राहुल गांधी जो कि इस पूरे के पूरे इलेक्शन के बीच में अपना अपर हैंड रखना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि वो एक नेशनल पार्टी है तेजस्वी यादव को पीछे रख के, मुझे लगता है कि उन लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, रीजनल पार्टीज को थोड़ी और ज्यादा स्पेस और एयर देनी चाहिए अपने आप लड़ने के लिए। अगर तेजस्वी यादव के पास यहाँ पर 140 नहीं ज्यादा सीटें होती लड़ने के लिए तो अपने बूते पर ही तेजस्वी यादव और ज्यादा सीटें ला सकते थे। तेजस्वी यादव और लेफ्ट पार्टीज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है यकीनन, और कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बुरा रहा है। कांग्रेस को बड़े लेवल पे इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। अगर आगे भी कुछ चेंजेस नहीं लाती कांग्रेस अपने में तो ऐसे बहुत सारी हार दोस्तों आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी। तैयार रहिए इस चीज के लिए। इसके साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। आज शाम के वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्पेशल चीज आपके सामने ला करके रखने वाला हूं जो कि आपके बीच में प्यार और शांति का एक मैसेज फैलाएगी। तो स्पेशल चीज क्या है वो देखने के लिए मेरे शाम के एपिसोड को मिस मत करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आप मेरे चैनल को, मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे काम को पसंद कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेटीएम का लिंक है, ऊपर ज्वाइन का बटन है, दोनों में से किसी एक को भी दबाकर आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ये सारा मैटर चाहे जो भी हो, वाट तो हम अंधभक्तों की ही लगाएंगे और उस वाट के लिए इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।